नेचर की बनाई हुई हर एक चीज बहुत खूबसूरत लगती है। इन्हें देखकर यही लगता है कि इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले, प्रकृति को समझ पाना उसके लिए मुश्किल ही रहेगा। ऐसी ही एक नदी है कोलंबिया की केनो क्रिस्टेल्स। इसकी खासियत ये है कि ये नदी बदलते मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। ये लाल, नीली, पीली, हरी और नारंगी हो सकती है, इसीलिए इसे लिक्विड रेनबो कहते हैं। 18 साल पहले यहाँ हिंसक गतिविधियों वाले कुछ गुट सक्रिय थे, मगर अब यहाँ 30 किलोमीटर क्षेत्र में कोलंबियन मिलिट्री का अधिकार है, जहाँ आप आराम से घूम सकते हैं। लोग नदी को देखकर ये सोचते हैं कि इसका रंग किसी एल्गी या मॉस से आता है, मगर ये कमाल तो मैकरेनिया क्लाविजेरा नाम के एक पौधे का है, जो खास मौसम में निश्चित जल सीमा और निश्चित मात्रा में सूरज की रोशनी मिलने पर रंग बदलता है। इस नदी की खूबसूरती आप सिर्फ जून से दिसंबर तक देख सकते हैं। दुनिया भर में कम लोकप्रिय होने की वजह से यहाँ विदेशी पर्यटक कम आते हैं, मगर वहाँ के लोगों के लिए वीकेंड पिकनिक की ये पसंदीदा जगह है। उसकी वजह इस रंग बदलती नदी के अलावा यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती है। प्रकृति की इस खूबसूरती के बरकरार रखने के लिए यहाँ कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे एक ग्रुप में 7 से ज्यादा लोग यहाँ नहीं जा सकते और एक दिन में 200 से ज्यादा लोगों को इस क्षेत्र में जाने की इजाजत नहीं है।